الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيد المرسلين ومن تبعه باحسان الى يوم الدين وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم قال النبي صلى الله عليه وسلم इमिया व इनमालकम्रम्मा रवाबारी महतरम सदर जलसा वलमाय खराम बरदरान इस्लाम और ख़वातिन मिलत अलकम वरह वक्त सबसे पहले मैं अल्लाह का शिक्र बजा लाता हूँ जिसके फ़दलकर करम से आज हम मुख्तलिफ़ मकाम से दीन, खास तौर तो पर अदीदे से मुतल जो कॉन्फ्रेंस मुनाकिद है उसमें शरीक होकर कुछ फ़ायदा उठाने के लिए जो जमा हुए हैं अल्लाह ताला हमें इस जमा होने को कोबूल फरमाए और अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए सबसे पहले मेरा जो जोवान है मैं तमहीद के बग़ैरवान पर पहुँचता हूँ मुझे जो जोवान दिया गया है महासिन इस्लाम और हमारा रवैया ये एक तवील मौजू है अगर इस पर पूरा दिन भी अगर मुख्तलिफ़ ना से उस पर बातचीत हो मुहाजरा हो लेक्चर्स हो तो ये बहुत मुफीद ज़रूर हो सकता है लेकिन चूँकि वक्त कम है इसलिए मैं चंद इशारों के साथ अपनी बात ख़त्म करने की कोशिश करूँगा तो अब सबसे पहले सर मोहम्मद की आयत में आपके सामने तिलावत किया उसमें अल्लाह का पैगाम यह है फ़ःलम्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है अय वसल्लम आप जान लीजिए कि अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई भी नहीं है वस्तफिलदम्बिकवलमिनी नवलमुमिनच अपने गुनाहों के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगते रहिए अह ईमान के लिए भी मुनात के लिए भी अल्लाह ताला तुम्हारे रफ्त को जानता है और तुम्हारे रहने के ठिकाने से भी अल्लाह वाकिफ है नबी <सक्यारी training> करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हदीस मरवी है मशहूर हदीस है बिनियात <surprise> आमाल की कबूलीत का दारोमदार मदार नीयतों पर है और हर आदमी को वही मिलता है जो उसने नीयत किया आज हमारा यहाँ जमा होना भी इन दो पैगामात के साथ ही है पहला हुक्म अल्लाह का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ख़िताब है अल्लाह की मारफत होनी चाहिए अल्लाह की मारफत इस्लाम की रूह है जब तक बंदे को अल्लाह की मारफत हासिल नहीं होगी अल्लाह से मोहब्बत पैदा नहीं होगी और खसूसा अहिल ईमान के बारे में अल्लाह ने फरमाया वली आमन व अशद हब्बल्ला अहले ईमान अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला के साथ अक़ीदत मोहब्बत और उसकी तमाम मखलूक से भी मोहब्बत करते हैं और खसूसा अल्लाह की मारफत की वजह से ही अल्लाह की बंदगी में भी मज़ा आता है जब तक हम अल्लाह को नहीं पहचानेंगे उसके खालि होने को उसके राज़ होने को मौत और हयात के मालिक होने को ज़िंदगी का हर मामला उसी के इख्तीार में है मौत और हयात उसी के कब्ज़ कुदरत में है कायन के अंदर सारी तब्दीलियाँ अल्लाह के इल्म के साथ होती हैं हुकूमतों का बदलना अच्छे हुक्मरान का आना ाल हुक्मरान का मुसलत होना सब कुछ अल्लाह के इल्म के साथ है अल्लाह की हमतों के साथ है खुल् ममालिकल मुल्लक तो तिलमल का मंतशा वतनज़ालमुल कम मंतशा वत्ज्ज़्ज़्जमतशा वतदिलुमंता अभी कल खैर हुकूमतों का बदलना भी इज्ज़त का मिलना भी जलील होना भी हर एतबार से सारी चीज़ें अल्लाह के इख्तीार में हैं अल्लाह ताला से बंदा हमेशा ख़ैर तलब करे ये हुक्म दिया गया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि किताबुल में एक बाब बांधते हैं एक चैप्टर है बाब قابل القول والعمل कुछ कहने से पहले कुछ अमल करने से पहले इल्म की ज़रूरत है इल्म के बगैर कोई भी इबादत इबादत नहीं हो सकती इल्म के बगैर कोई अकीदा सही नहीं हो सकता इल्म के बगैर आदमी माँ बाप की कदर व कीमत पहचान नहीं सकता ख़ास कर इम की बड़ी अहमियत के पेश नज़र नबी करीम वसल्लम से इरशाद होता है पूरी उम्मत मुखातब है इल्म के साथ ज़िंदगी गुजारो अल्लाह की मारिफत हासिल करो अल्लाह ताला का हक़ पहचानो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ पहचानो हजरत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तू जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन भेजा तो हजरत माज से फ़रमाया ए माज़ तुम अहले किताब के पास जा रहे हो जो यमन में हैं वहाँ जाने के साथ सबसे पहली दावत तुम जो पेश करोगे यही दावत है शहादत अल्लाह इल्ला ये जान लो कि अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई भी नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं अगर लोग इस बात को तस्लीम कर लें शहादतैन का इकरार कर लें तो उसके बाद दूसरा हुक्म देना लोगों को ज़कात का हुक्म नमाज का हुक्म देना फिर उसके बाद ज़कात का हुक्म देना तो अव्वल मार्फत जो ज़रूरी है अपने अकीदे की असलाह होना रब को पहचानना अल्लाह ताली को कमा हक व इबादत के लायक समझना इसलिए कि दुनिया के अंदर हर क़सम के फासिद अद बहुत हैं बातिल अद बहुत हैं बातिल नज़रियात बहुत हैं सबसे पहले हर मुसलमान पर जो ज़रूरी है अपने अकीदे की सलाह कर ले अल्लाह की मारिफत हासिल कर ले हर मामला अल्लाह के साथ जोड़ ले शहीद अल्लाहतम बिल किस्त ये हक़ शहादत ऐसी है ख़ुद अल्लाह गवाही दे रहा है कि अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई भी नहीं फ़रिश्ते गवाह हैं अहल इल्म गवाह हैं तो हर हम मुसलमानों के लिए भी ये बात ज़रूरी है कि पहले हम अपने ईमान की तजदीद कर लें अल्लाह को पहचानें रसूल सल्ला वसम का हक़ अदा करने की पूरी कोशिश करें इसीलिए कि यही अव्वल वाजिब है यही आखिरी वाजिब है इसी कलीमे की बुनियाद पर आदमी मुसलमान होता है इस कलीमे के अकरार के साथ ही मुसलमान होता है जब शर्क से आदमी तोबा करता है कलिमे की जब कलिमा पढ़ लेता है तो हमारा दीन ही भाई बन जाता है व फ़ा इताब व वत वक्वा नकुम्फ दीन दीनी भाई बनने के लिए अहम और ज़रूरी है हम शर्क से तो, बायदा तोबा करें बायदा बिदात और ख़ुराफ़ात से दूरी इख्तियार करें तो जब भी आदमी जो है कलिमा पढ़ लेता है तो इसी वजह से आदमी मुसलमान कहलाता है और उसी बुनियाद पर जब उसका इंतकाल भी हो कलीमे की बुनियाद पर कलीमे के साथ इंतकाल हो तो उसके लिए जन्नत का अल्लाह ने वादा फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीसें इस सिलसिले में मिलती हैं मनकान आखिरकाम ला दखल जन्ना जिसका आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा फरमाया गोया कि इस कलीमे की बुनियाद पर आदमी इस्लाम में दाखिल होता है इसके इनकार की वजह से आदमी कुफ्र का रास्ता अपना लेता है और पूरी ज़िंदगी इस्लाम पर गुजारने की वजह से पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला उसके लिए हयात तयबा के वादा फ़रमाता है मनामिलहमिन कर ना फ़ल्नोन नयातबा फरमाया ज़मान जाहलीत में लोग जो हैं ख़ासकर मुशरक़ी मक्का काबतुल्लाह की खिदमत को या जो हाजियों के को पानी पिलाने उनको खिलाने पिलाने के मामले को या हरम शरीफ के मेंटेनेंस को समझते थे कि बहुत बड़ा काम नेकी का काम है उसके लिए कुरान में शुर तौबा में अल्लाह ने फरमाया अजालतुम शिकायत अल हाज व इमारत अलमस्जिदराम क्या तुम लोगों ने यह समझ लिया है कि हाजियों को पाली पानी पिलाना या हरम शरीफ की खिदमत करना वहाँ जहाँ उसके इमारत के अंदर तामीर में हिस्सा लेना ये कोई बड़ा काम नहीं है ईमान बिल्ला के मुकाबले में अहम चीज़ ईमान बिल्ला है अल्लाह पर ईमान लाना उसके रुबूत को तस्लीम करना अल्लाह की उलोहीत को तस्लीम करना अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना पूरी ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी में गुजार लेना हमारी हर आदत को इबादत में बदल लेना जब तक हम अपने आदतों को इबादतों में नहीं तब्दील करेंगे उस वक्त तक जो है हम अल्लाह के पास कामयाब नहीं होंगे पूरी ज़िंदगी के लिए इस्लाम हमारे लिए एक निज़ाम हयात पेश करता है इबादत में भी अकायद में भी मामलात में भी माशरत में भी इकतसादियात में भी सियासत में भी हर मामले में इस्लाम हमारी रहनुमाई कर रहा है तो हमारे लिए ज़रूरी यही है कि हम जो इस्लाम को तस्लीम करने के बाद हर मामले में इस्लाम का जो हमारे लिए जो कुछ क़ानून है उस क़ानून को अपने अंदर लागू करें अपने घरों में अपने ख़ानदान में अपने माशरे में अपने मुल्क में हर जगह में इस्लाम की तलीमत को लागू करना यह हमारे लिए ज़रूरी होता है इसी अल्लाह ताली ने नबी करीम सलील्ला वसम को आखिरी नबी बना भेजा कुरान मजीद जैसी आखिरी किताब नाजिल फ़रमाया बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर जहाँ ईमान लाना ज़रूरी है ये भी ज़रूरी है कि हम आपको आखिरी नबी माने आखिरी रसूल माने बल्कि आपकी बशरीत को तस्लीम करें सीधी सादी बात है इस्लाम सीधा सादा मजहब है और सीधे सादे अकायद की तरफ रहनुमाई करता है इनमा न बशरुम मिसलुकुम यूहाली रसूल सल्ला व्लम की हैसीयत को तस्लिम करें फ़रमाया कि मैं एक इंसान हूँ तुम्हारी तरह मेरी जानब वही की जाती है हमारा जो भी है हुक्म अल्लाह की तरफ़ से है हवा देखिए आज के ज़माने में बाज़ गैर मुस्लिमों ने किताबें लिखी अजीम शख्सियात पर मुश्तमिल किताब लिखा माइकल हार्ट ने उसमें सर फ़हरिस नबी करीम वसल्लम का तस्करा करता है वो और वो ये लिखता है ये इस्लाम के बरहक़ होने की सबसे बड़ी दलील ये है चौदह सौ साल हुए इस तालीम के आगाज़ में इस अकीदे के आगाज़ में लेकिन आज तक उसे मानने वालों की तदाद में इजाफा ज़रूर हुआ सवा है लेकिन कमी नहीं आई लोग बढ़ते गए काफिला बनते गया जमात दर जमात लोग फ़ौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होते गए किसी ने जो है इसको झूठा नहीं कहा अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी चालीस साल जिंदगी वाज दलील थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे इंसान के हैसियत से दुनिया में मशहूर और मारूफ हुए असाद अलमीन लोगों ने सच्चा और अमानतदार का टाइटल आपको दिया फिर एक और एक बात ये लिखता है कि उनके सच्चे होने की सबसे बड़ी दलील ये है इसकी तैदाद में जहाँ इजाफा हो रहा है इस्लाम के मानने वालों में आज तक भी हम दीगर मजाहिब के अंदर देखते हैं इस्लाम के बाद दूसरे नंबर पर अगर हम नसरानियत को देखते हैं क्रिश्चियन मज़हब को देखते हैं वहाँ जो है हज़रत ईसा पर फ़िदा होने वालों की कोई तैदाद नज़र नहीं आती मुसलमानों के अंदर देखो नबी करीम अलैहि वसल्लम की अदना गुस्ताखी को भी एक मामूली एक मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता अपनी जान दे देगा चाहे वो इस्लाम पर मुकम्मल अमल ना भी कर रहा हो लेकिन अल्लाह के नबी सी ज़ा मुबारक के लिए अपनी जान देने तैयार हो जाता है इस तरह की मिसाल और नज़ीर किसी और मज़हब के अंदर नज़र नहीं आती अल्क मा भी लाहदा हकबात हाँ व है जिसकी गवाही जो है दुश्मन देते हैं गैर गैर मुसलिम देते हैं तो ये सबसे बड़ी दलील है कि हमारा मजहब सच्चा मजहब है अकीदे के अतबार से अमल के अतबार से मामला में अकायद में हर एतबार से तो ये सबसे बड़ी दलील हमारे वास्ते ये भी है कि ये मजहब सच्चा मजहब होने के अतबार से जितना यह फैलते जा रहा है इतना फैलते जा रहा है ख़ासकर मगरबी तहजीब दुनिया की सारी तहजीबों को अपना चुकी है सारे इज़् को उन्होंने अपना लिया लेकिन नाकामी सेवा कोई चीज़ नज़र नहीं आई बहुत सारे चर्च मसाजिद में तब्दील हो रहे हैं खासकर लंदन में बर बायदा कई मग़रबी ममालिक के अंदर अल्लाह के फजल करम से ये इस्लाम के बरहक होने की सबसे बड़ी दलील है इस इस्लाम की खूबियों में से सबसे बड़ी ख़ूबी यह भी है यहाँ हुक्म दिया जाता है मसाजिद की तज़ीम करो ये मसाजिद अल्लाह के घर हैं मुसलमानों के लिए पावर हाउस हैं ईमान की तजदीद मसाजिद से होती है फ़रमाया फरमाया इनम अमर व मसाजिदन नबीमिल आखिर मसाजिद की रौनक और आबादी बिल्डिंग से नहीं है उसकी खूबसूरती रंग उसके दर व दीवार से नहीं है मसाजिद की रौनक और आबादी मुसलियों से है ईमान बिल्ला पर ईमान रखने वालों से है जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं आखिरत पर ईमान रखते हैं नमाज़ क़ायम करते हैं ज़क़त देते हैं बल्कि अल्लाह ये साफ़ फरमा दिया ये मस्जिदें किसी की मिल्कियत नहीं हैं वनमसाजिद्ला ही फ़लत आहदा ये मसाजिद अल्लाह के घर हैं ये मुक़दस मक़ाम हैं यहाँ जूती जूते पहन कर भी नहीं आ सकते आप इसलिए कि मस्जिद की तज़ीम का हुक्म दिया गया इन्नी रब्ब का फ़िलाई इन्ना का बिलवा दिल मुक़दस तुआ हजरत मसल्लाम से जब अल्लाह ताली ने बायदा कलाम फरमाया दुनिया के अंदर पहला हुक्म ये आया ए मूसा मैं ही तुम्हारा रब हूँ पहले अपना जूता निकालो मुक़दस मकाम जूते पहनकर नहीं आना चाहिए इन्ना का बिलवादिल मुक़दस ही तो ख़ास कर ये मसाजिद अल्लाह के घर हैं उसकी ताज़ीम तकरीम और उसकी तामीर में उसकी तरक्की में काम लेना हर मुसलमान का एक वाजिबी हक बनता है ये मसाजिद अल्लाह के घर हैं ईमान का ईमान यहाँ हासिल होता है ईमान की तजदीद होती है ईमान का पावर हाउस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया इदार तुम रजुल यातादलमसाजिद फ़श हदबिलीम जब तुम देखो कि कोई आदमी मसाजिद में आ रहा है जा रहा है बराबर मसाजिद में लगा रहता है उसका दिल मस्जिदों से लगा हुआ है उसके लिए ईमान की दो फरमाया वलम ने गोया कि हमारा ताल्लुक मस्जिदों के साथ गहरा होना चाहिए नमाज़ के लिए दीनी मसाइल के लिए ख़ास करके ये मस्जिदें सिर्फ़ नमाज के हद तक महदूद हो गई हैं लेकिन ये मसाजिद इस्लामी मरक़ भी हैं इस्लामिक सेंटर्स भी हैं दार्खजा भी हैं हमारी ये मस्जिदें यूनिवर्सिटियाँ हैं ये हमारी मस्जिदें उसका एहतराम होना चाहिए मसाजिद के अंदर हंगामा नहीं होना चाहिए हज़रतमर फारूक रज़ी अल्लाह तु ने देखा दो साहब जो हैं ज़ोर ज़ोर से बातचीत कर रहे थे आपने बुलाया पूछा कौन हजरात हैं मालूम हुआ कि ये लोग बाहर से आए हुए हैं तो हज़रतर फ़ारूक ने फरमाया लौकुन तुम नाहबल लाउ जामा अगर तुम दोनों मदीने वाले होते मैं तुम्हारी पिटाई कर देता तरफ़ान आने स्वात कुमाफ़ी मस्जिद रसूल अल्ला व तुम लोग मस्जिदों के अंदर अल्लाह के रसूल की मस्जिद में आकर हंगामा कर रहे हो आवाज़ बुलंद कर रहे हो ये मसाजिद इसलिए नहीं बनाए है। गए हैं कितनी फजीलतें आई हैं मसाजिद बनाने के लिए मसाजिद की तमीर के लिए बल्कि मस्जिद से एक आदमी तिनका भी उठा के बाहर फेंकता है उसे अजर व स्वब मिल जाता है अजर सवाब मिल जाता है फ़रमाया बल्कि मस्जिदों को आबाद करने का हुक्म दिया गया यहाँ तक के औरतों को भी फरमाया जा रहा है कि वो भी जो है अपने घर वालों के अपने शौहरों सरपरस्तों की इजादत के साथ बाकायदा मसाजिद में आया करें बल्कि सरपरस्तों से कहा जा रहा है लम नाउ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह तुम जो है अल्लाह की लौंडियों को अल्लाह के घरों को आने से मत रोको ये लोग ज़रूर आएँ दीन सीखें बाजमात नमाज़ों में शरीक रहें जिस तरह अजवाज मतहरा रजवानल्आन्वियात वगैरह बायदा मसाजिद में आते थे जाते थे बल्कि जो है मसाजिद की तज़ीम और तकरीम को अल्लाह ताली ने ईमान बिल्ला के साथ जोड़ दिया वन अल्लाह के ज़रिए से और खसूस उस ज़माने में मशरकिन ये समझते थे कि हम मुतवली हैं हम सरपरस्त हैं हम हाजियों की खिदमत करते हैं तो अल्लाह तरमाया उमा वहुम यसुद्दून नान मस्जिद हराम वमा कानू औलिया इन मुत्तकून अल्लाह क्यों नहीं अल्लाह ताल उन पर अज़ाब नाजिल कर सकता है जबकि ये लोग ये मुश्किन लोगों को अल्लाह के घरों से अल्लाह के मस्जिदों से रोकते हैं वहम यसुद्दून नानल मस्जिद हराम वमा कानू औलिया ये लोग उसके मुतवल्ली हो नहीं सकते इन अवलिया मुत्तकून फरमाया कि मस्जिद हराम के मुतवली तो वो लोग हैं जो तखवा वाले हैं गोया कि ये बात मालूम हुई इन सारे मसाजिद के साथ साथ जो जो ज़िम्मेदार लोग हैं तखवे के साथ होना चाहिए तखवे के बगैर कोई काम नहीं होता हर काम के पीछे तखवा होना चाहिए जो काम अल्लाह के डर के बग़ैर होता है तखवे के बगैर होता है अल्लाह तेकूल नहीं करता एक मनसब है एक ज़िम्मेदारी है लेकिन ईमान बिल्ला के साथ तखबे के साथ मरबूत है फरमाया खास तौर पर जहाँ इस्लाम की बड़ी खूबियाँ हैं उनमें से एक ख़ूबी यह भी है इस्लाम जो है इंसानियत का एहतराम चाहता है इस्लाम आया इसीलिए है ताकि लोगों के अंदर ये पैगाम आम करे इस्लाम की नज़रों में अमन सुकून एहतराम ये सारी चीज़ें मतलूब हैं किसी इंसान का नाहक कत्ल नहीं होना चाहिए किसी इंसान को नाक सताना जायज़ नहीं है बल्कि फरमाया अल्लाह सूरह माईदा में मन क़त अनफस ब़ैर इनफ़्स नौफसाद इनफिल्लास्फ़ा नमा क़तना से जमी आ जिसने एक इंसान को नाहक मार दिया कतल कर दिया गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कतल कर दिया एक इंसान को नाक सताना मारना या उसकी जान के बेदरपे होना ये इस्लाम की नज़रों में जुर्म अजीम है ख़रनाक जुर्म है गोया कि पूरी इंसानियत का कतल है एक इंसान का नाहक कतल हो जाए फिर फरमाए उमन ना हयाहा जिसने किसी इंसान को बचा लिया मरने से हलाकत से तबाही से गोया क्या उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया इस्लाम इसीलिए आया कि इंसानियत को बचाए इंसानियत का अहतराम बाकी रखे ख़ास करके एक ज़माना ऐसा था इस्लाम के आने से पहले खून की नदियाँ बहती थी सालों साल तक खून की नदियाँ बहती थी लोग आपस में लड़ते थे लड़ाते थे हर आदमी मरने वाला बायदा वसीत करके मरता था कि हमारे बाप दादा जिस मकसद के लिए लड़ते थे तुम भी उस जंग को बाकी रखो ये, जे ये मामला ऐसा था छोटी छोटी चीज़ों पर जंग होती थी लड़ाइयाँ होती थी ख़त्ल वारतगिरी का बाजार गर्म था लेकिन इस्लाम आया तो बड़े अमन के बड़ा अमन का पैगाम लेकर आया एक जंग में हजरत उसामा बिन जैद के बारे में हदीस में आता है कि उन्होंने एक शख्स को कतल कर दिया जो दरमियान जो जंग के दरमियान कलिमा पड़ रहा था तो जब अल्लाह के रसूल सल्ला व्म को इतला हुई तो आप वसल्लम ने हज़रत उसामा से पूछा बादमा अ ला इलाहा इल्लल्लाह ऐ उसामा क्या तुमने ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा था क्या तुमने ईमानी रिश्ते के साथ जो आदमी तुम्हारा भाई था जिसने कलिमा पढ़ लिया फिर भी तुमने उसे कत्ल कर दिया तो हज़रत उसामा कहने लगे या रसूल अल्लाह खाल मुताविज़न वो जो कलिमा पढ़ा था जान बचाने के वास्ते कलिमा पढ़ा था वो वो जबान से पढ़ा था दिल से नहीं पढ़ा था वो कलीमा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुमने उसके दिल को चीर के देखा हल्ला शख्त तकलबा क्या तुमने उसका दिल चीर के देखा कि वो कलीमा कहाँ से पढ़ा दिल से पढ़ा मुँह से पढ़ा जब आदमी कलीमा पढ़ लेता है तो हम ज़ाहिर को देखकर हुक्म लगाते हैं वो मुसलमान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त बरहम हुए सख्त नाराज़ हुए हजरत उसामा कहते हैं मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई इतनी शर्मिंदगी हुई मैंने सोचा काश मैं अब मुसलमान हुआ तो कितना अच्छा था बाद रिवायतों में हजरत खालिद के बारे में भी इस तरह की रिवायतें आती हैं अलगर्ज एक एक मुसलमान बल्कि एक एक, एक इंसान इस्लाम की नज़रों में मोहतरम है उसका उसकी इज्जत आबरू उसका माल उसका अकीदा उसका नसब हर चीज़ इस्लाम की नज़रों में मोहतरम है इस्लाम आया ही इन तमाम चीज़ों की हफाजत के लिए दीन की हिफाजत के लिए आया माल की हफाजत के लिए आया अकल की हिफाजत के लिए आया इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए आया नसब की हिफाजत के लिए इस्लाम आया इस्लाम से पहले ज़िना आम थी बाकायदा ज़िना आम थी जिना को ख़त्म करने के लिए इस्लाम आया सही तरीक़ा पेश किया निकाह कर लो निकाह के ज़रिए से रिश्ते कायम करो फरमाया इस्लाम जो है अमन का पैगाम जान देता है बाकायदा जो है इंसानियत का एहतराम भी सिखाता है ज़रा अफसोस की बात है मैं मौजूदा हालात के साथ ये भी बताता हूँ देखिए आज हालात ऐसे भी हैं कहीं हादिसा हो गया लोग इस चक्कर में रहते हैं कि उसका वीडियो पकड़ लेंगे बाकायदा जो है उसे जो है वीडियो पकड़ करके फेसबुक में डाल देंगे एक मरते हुए इंसान को बचाना ये अहम नहीं है लोगों की नज़रों में इला माशा मामला ऐसा है जब से एंड्राए ये, ये फ़ोन आया है वीडियो फ़ोन फ़लाँ फ़ोन तब से जो हर इंसान ये चाहता है कि हर चीज़ को ना बायदा जो उसकी तस्वीर ले ले उसका वीडियो पकड़ ले एक इंसान भूखा मर रहा है प्यासा मर रहा है आखिरी दम ले रहा है उसे बचाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा हर आदमी चाहता है कि बाकायदा उसका उसकी तस्वीर ले ले उसकी पिक्चर ले ले ये इंसान से गिरी हुई हरकत है इस्लाम उसका कॉल नहीं है बल्कि नौबत यहाँ तक आ गई एंड्रॉड फ़ोन की वजह से एक आदमी तवाफ़ भी करता है हरम शरीफ के अंदर बाकायदा ये चाहता है कि मेरा फेसबुक में फ़ौन फ़ौर जो रिले हो जाए बाकायदा अपनी तस्वीर ख़ुद से ले लेता अपना वीडियो खुद से बना लेता सही कर रहा है बाकायदा जो उसकी भी तस्वीरें ले, ले लेता वीडियो बना लेता हरम शरीफ का तकदस भी ख़त्म होते जा रहा है इबादतों की अहमियतें ख़त्म होती जा रही हैं ये तमाम चीज़ें हमारे लिए अफसोसनाक ज़रूर हैं इसका लिहाज रखना ज़रूरी है और एक चीज़ जो ख़ास तौर पर इस्लाम की खूबियों में से एक बड़ी अहम ख़ूबी है रिश्तों का अदब एहतराम इस्लाम आया रिश्तों का तफ़ बाकी रखने के लिए एहतराम बाकी रखने के लिए बड़ों का एहतराम छोटों पर शफत माँ बाप की इज़्ज़त माँ बाप का एहतराम माँ बाप की खिदमत ये सारी चीज़ें इस्लाम पेश करता है माँ का दर्जा बुलंद कर दिया जबकि एक ज़माने में औरत ज़िंदा दरगोर की जाती थी लोग नहुसत का बास समझते थे उसकी विलादत को इस्लाम आया तो कहने लगा अल जन्नत तहत अलजन्नत वहता माँ के कदमों के नीचे जन्नत है एक सहाबी पूछे यार अल्लाह जिसकी माँ नहीं है वो कैसा हुसने सुलूक करे दूसरों के साथ उसके बाद दर्जा किसका है फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल बिमंज लतम खाला जो है माँ के दर्जे में है फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ और जवील अरहाम हैं जहाँ ख़ूनी रिश्ते हैं फिर आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर यह भी फरमाया विरासत का मामला है अगर कोई वारिस मौजूद नहीं है असबात में से कोई नहीं है वारिस में से कोई भी नहीं है फरमाया अल खाल वारिस ला वारिस मामू उसका वारिस होता है जिसका कोई वारिस ना हो बाप भी नहीं है बेटा भी नहीं है चाचा भी नहीं है सगे भाई बहन भी नहीं है ऐसी सूरत में मामू का एक ख़ास मक़ाम शरीयत ने बाकायदा दिया एक साहबी पूछते हैं यार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाप का इंतकाल हो गया मैं कैसे खुसने सलूक करूँ उनके वफा के बाद मैं क्या कर सकता हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर फरमाया देखो उनके हक़ में दुआ करते रहना उनके हक़ में इस्तिग़फ़ार करते रहना फिर दूसरा हुक्म आपने दिया वो रिश्ते बाकी रखना जो तुम्हारे बाप के ज़रिए से क़ायम थे उनके दोस्त व अहबाब की इज़्ज़त करना वही राम व सदी ही माँ माँ बाप के दोस्त अहबाब हैं उनकी इज़्ज़त करो वो रिश्ते जो क़ायम थे बड़ों के ज़रिए से उस रिश्ते को बाकी रखो उनके हक़ में दुआ करो इस्तार करो उनके हक उनके लिए ईसा सवाब वगैरह कर लिया करो ये इस्लाम की नज़रों में भाई का एक दर्जा बहन का एक दर्जा बीवी का दर्जा माँ का एक दर्जा सास ससुर का एक दर्जा इस्लाम ने सब के बाकायदा रिश्तों का बड़ा पास लिहाज रखा व तखुल्लादी तसा अलोनबी वराम के दरे से फ़रमाया अल्लाह से डरो व उस अल्लाह से डरो तसा अल्लोनबी जिसके नाम लेकर तुम लोग आपस में एक दूसरे से रिश्ता जोड़ते हो एक दूसरे से मांगते हो रिश्तों को काटने से बचो फरमाया वल वलरहाम यहाँ तक कि यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के अंदर इंसानियत का एहतराम एक तरफ है तो रिश्तों का पास लिहाज रखते हुए फरमाया अगर कोई आदमी नाहक रिश्ता काट रहा है जन्नत जा नहीं सकता फरमाया जन्नत जा नहीं सकता फरमाया लाइद खुलजन्नत ख़ात है फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि जो है एक मौके पर ये इरशाद फरमाया मुझे हुक्म है कि मैं जो है सिलमन ख़त का रिश्तों को जो काटते हैं उनसे रिश्ता जोड़ने का हुक्म मुझे मिला है वाफ व अमन जलमक जिसने हम पर म किया उसे माफ़ करने का हुक्म मुझे मिला है बाकायदा जो है हुक्म दिया जा रहा है आप अलैहि वसल्लम को सिला रहमी की बड़ी अहमियत इस्लाम में है ख़ास तौर पर अच्छे में बुरे में बाकायदा जो है बीमार पुरसी में खुशियों में शरीक होना गम में शरीक होना यह इस्लाम ही की खसूसियत है विलादत पर मुबारकबादी देना वफात पर ताज़ियत अदा करना यहाँ तक के जनाजे में शरीक रहना मुसलमान है इतना काफ़ी है जनाजे में शरीक रहना तदफीन तक शरीक रहना दुआ में से बायदा शरीक रहना ताकि उसका हक में इस्तार किया जाए इसलिए अभी उसके साथ सवाल और जवाब होने वाला है इस्लाम यहाँ तक ख्याल रखता है वफात तक भी बल्कि वफात के बाद भी फरमाए ला तसब्ब्बात अपने मुर्दों को गालिया मत दो ला तसब्ब्बम इसके ज़रिए से ज़िंदों को तकलीफ़ होगी फरमाया आप सल्ला वल्लम ने अहतराम इंसानियत रिश्तों का अहतराम बायदा है आज मगरबी तहज़ीब ने इस्लाम को छोड़ कर इतना बड़ा जो है अपना नुकसान उठाया कि रिश्ते ख़ानदान बिखर गए बल्कि जो है ख़ुद वाजह तौर पर ख़बरें आ रही हैं बी बी सी ने बीस हज़ार लोगों से मिलकर गुफ्तगू किया इंट्रव्यू लिया बीस हज़ार लोगों से इंटरव्यू लेकर बायदा ये रिपोर्ट शाये किया कि ख़ासकर मग़रबी तहज़ीब ने ख़ानदानों को तबाह कर दिया मिसाल के तौर तो पर बी बी सी रिपोर्ट के मुताबिक ये मतलब है कि ही हिस्सा वन बाई फोर रिवायती ख़ानदान हैं बस जो निकाह के ज़रिए से रिश्ता क़ायम हुआ माँ बाप बच्चे वगैरह ख़ानदान मौजूद हैं वन बाई फोर चौथाई हिस्सा है बल्कि जो है तीन में का दो हिस्सा ऐसा है बग़र निका के हामिला हो गई औरत निकाह के बगैर बल्कि और तफसील में लिखता कि पंद्रह साल की लड़कियां जो हामिला हुई हैं पच्चीस परसेंट हैं सत्रह साल जो लड़कियां हैं जो हामिला हो गई हैं इस निका के बगैर पचास परसेंट हैं बीस साल औरतें जो हामिला हो गई हैं तकरीबन अस्सी फ़ीसद हैं बल्कि बरतानिया वगैरह की रिपोर्ट के मुताबिक दस जोड़ों में से नौ जोड़े जो हैं बायदा जो है गैर इस्लामी गैर रिवायती हैं बस ऐसे ही मियाँ बीवी बनकर रह रहे हैं जब तक चाहे रहेंगे फिर उसके बाद जो है पसंद नहीं आया तो निकल जाएंगे। और इससे जो नाजायज़ ओलाद पैदा होती है वो एक बड़ा मसला पैदा हुआ है मगरबी तहजीब के अंदर अमरीका बरतानिया फ्रांस जर्मन सब परेशान हैं औलाद के लिए जो है सही नस्ब नहीं है सिंगल पेरेंट्स का जो है सिस्टम चल रहा है बाज़ बच्चे सिर्फ माँ के साथ रहते हैं उनका बाप ही नहीं है बाज़ बच्चे जो हैं बाप के साथ ही माँ ही नहीं है और इन बच्चों की वजह से ख़ुद उनका रिपोर्ट कहता है बड़े बड़े जराएं जो पैदा होते हैं ऐसे ख़ानदान से जहाँ माँ बाप की तरबियत नहीं रहती जहाँ बच्चे माँ से माँ की ममता से खाली हैं या बाप की सफ़ाक़त और बाप की निगरानी से खाली हैं जब तक माँ बाप मिलकर बच्चों की सही तरबियत नहीं करेंगे उस वक्त तक एक बच्चा जो है साल माशरे के लिए मुफीद बन नहीं सकता खुद जो है इस्लामी तहजीब तो क्या गैर इस्लामी तहजीब में मग़रबी तहजीब ने उसे अतराफ़ किया बायदा ये चीज़ें आम हो रही बल्कि उनका रिपोर्ट ये भी है निकाह की तैदाद कम से कम हो रही है तलाक की कसरत है तलाक़ की कसरत है निकाह जो है रिवायती अंदाज़ में नहीं हो रहा है बल्कि ख़ानदान बिखरे हुए हैं भाई बहनों का रिश्ता टूटा हुआ माँ बाप का रिश्ता टूटा हुआ सुकून के बग़ैर इंसान जो है मशीन बन गया है एक रूटीन बन गया बस लेकिन जो निज़ाम अल्लाह के फजल व करम से एशिया के अंदर हमारे हिंदुस्तान में पाकिस्तान में बांग्लादेश में जहाँ जहाँ इस्लाम का निज़ाम बाकी है वहाँ का जो ख़ानदानी निज़ाम है अल्लाह के फजलोक करम से वो उन तमाम निज़ामों से जो मगरबी तहजीब के अंदर पल रहे हैं लाख दर्जा बेहतर है यहाँ सिस्टम बाकी है बड़ों का एहतराम बाकी है बल्कि तादम हयात उनकी ख़िदमत को इस्लाम जब फ़र्ज़रार देता है बल्कि इतना ही नहीं बल्कि फरमाया इमां अब लन्ना इन दखल बारा अहदु हमा और किला फला तख ल्हमा उफीन तुम्हारी मौजूदगी में चाहे तुम्हारी जॉइंट फैमिली क्यों ना हो या तुम्हारे जो तुम अकेले ही रहते हो माँ बाप में से दो में के दोनों या एक भी अगर तुम्हारे पास मौजूद हैं उनके अदब व अहतराम का पूरा लिहाज रखो फ़ला तखलुमाफिन जबान से उफ तक का कलमा तुम्हारी जबान से नाने के झिड़की के अल्फाज तुम्हारी जबान से इस्तेमाल ना हो बल्कि तुम बात भी करो तो सलीके से बात करो सलीकेे से बात करो वक्फ़ वक्फ़िहमा जना हज़ुल्लिमिन्रह ये इस्लाम का निज़ाम है बल्कि उनके हक़ हाँ में दुआ करने का हुक्म दिया रब रहमा कमा रब यानी सक़़ी फरमाया ये इस्लामी तहज़ीब है ख़ानदान बड़ों इज़्ज़त एहतराम सारी चीज़ें जो है बाकायदा जो उसका एहतराम बाकी रखने का हुक्म देता है बल्कि और एक ख़ूबी जो हमारे इस्लाम के अंदर है कमज़ोरों ज़िफ़ों और जो ख़ास करके पसमानदा तबके के साथ एहसान करने का हुक्म दिया ये फरमा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है फहल फालतून सरूना वदुरसुख़ख़खून अला इल्ला एककुम अगर तुम्हारी मदद मिल हो रही है अगर आपको रोज़ी मिल रही है तुम्हारे जुआफ़ा की वजह से तुम्हारे माँ बाप मुमकिन है माँ बाप बुढ़ापे में पहुँचे हों या तुम जो किसी की कफालत करते हो ज़यफ़ों फ़खरा और मसाकिन की इनके ज़रिए से अल्लाह आपको रोज़ी दे रहा है तुम्हारी मदद बाक़ायदा हो रही है इस्लाम उसी का ख़ायल है बल्कि इस्लाम की सबसे बड़ी ख़ूबी जो है इल्म की वजह से इस्लाम का आगाज़ जो हो रहा है वही का वही की इब्तिदा जो हो रही है इकरा इरा बसम रबिकदी ख़ल तालीम के जरिए से इबादत के लिए इल्म अकीदे के लिए इल्म मामल के लिए इल्म निकाह के लिए इल्म तिजारत के लिए इल्म सियासत के लिए इल्म इल्म के बगैर इंसान की ज़िंदगी जो है अधूरी है इल्म है तो सब कुछ है इल्म नहीं है तो इंसान जाहिल बन जाता है बल्कि जानवर बन जाता है इसीलिए इस्लाम जो है तालीम की अहमियत पर बड़ी तफसील के साथ तरगीब के तौर पर बहुत सारी बहुत सारे नसूस वारद हैं कुरान हदीस के अंदर बल्कि खास तौर तो पर इस मौके पर यह भी मुझे कहना है कि ख़ास कर मुसलमानों के लिए ये जानना ज़रूरी है वामा का ख़ास एक अहतराम है वलमा की इज्जत होनी चाहिए यहमा अलमा वसतुलम्बिया हदीस में आता है अल्ला के नबी ने फरमाया ये अम्बिया के वारिस हैं वमा के माबे तफरीक करना उनकी तज़ीम और तक्रीब में भी फ़र्क करना यह हमारे शान की बात नहीं है हर आलम अपनी जगह बाज़्ज़त है जो कुरान और हदीस का इलम रखता है कुरान और हदीस की रोशनी में बातें बताता है चाहे वह हज़ार अख्तिलाफ़ हो सकते हैं मसले मसाइल में दलील की रोशनी में हो सकते हैं लेकिन उसकी उसकी वजह से वमा के एहतराम में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए वलमा का जहाँ एहतराम होगा वो मुआरह जो है बायदा जो है बाज़्ज़त रहेगा जहाँ लमा की तोहन होगी वहाँ तफरीक़ की वजह से बायदा जो है उम्मत इंतशार का शिकार होगी और खसूस आखिरी बात बात बता करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि खूस इस हमेशा अस्त फिर पढ़ना ये बहुत अहम इबादत है बायदा सूर्य अनफ़ाल में अल्लाह ने फ़रमाया उम खानल्लाज हम तफ़ीम वमा खान अल्लाम आज़िबहम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है आपके होते हुए उम्मत पर अल्लाह का आदाब आम नहीं आएगा आपके होते हुए आपका वजूद वो या कि बाहमत है अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं उम्मत के लिए दो अमान थे ये अल्लाह के रसूल का वजूद था वो जो ख़त्म हो गया आपकी वफात हो गई दूसरा अमान ये है अल्लाह के आदब से बचने का तरीक़ा इसतगफ़ार है माकानल्लाम अज़ब हमउून कसरत इस्तफार की बड़ी अहमियत है हमेशा ज़ुबान जो है अस्तफरल्ला हस्तफरल के अल्फा के साथ हमेशा ज़ुबान हमारी तर हो हमेशा उसका अहतमाम होना चाहिए और खसूस से, ज्यादती से और हर कस्म के गुनाहों से बचना यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस्लाम इसलिए आया एक रहमत का पैगाम बनकर आया ख़ुद अल्लाह ने ज़ुल्म को अपने ऊपर हराम कर लिया फ़रमाया हदीसि में या इबादी इन्नी हरम तो ओला नबसी फ़लतालम मेरे बंदो मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर लिया है तुम भी जुल्म ना करो माँ बाप होंजा हों ज़िम्मेदार हों बड़े हों सब के लिए हुकमाम है जहाँ भी जुल्म होगा जुल्म का अंजाम बुरा होता है बायदा शेख सादी रहा ने एक बार फरमाया था कि मैंने दो साहिबों को तलाश किया दुनिया के अंदर ये दोनों हजरात मुझे नहीं मिल सके ये एक वो है जो किसी पर म किया हो ज़्यादत किया हो फिर भी वो अल्लाह की पकड़ से बच गया हो दूसरा वो है जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया हो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते करते वो फ़ीर हो गया हो नौज बिल्ला मैंने ऐसे आदमी को भी नहीं पाया गोया के इसतफ़ार की अहमियत अपनी जगह पर है इनफाक फाख सभी लिल्ला की अहमियत अपनी जगह पर है और औरदे की सलामती हमारे सारे अमाल की कबूलीत के लिए बहुत अहम और ज़रूरी है और खूस आज का जो हमारा माशरा है इस माशरे के अंदर इस माशरे को इस्लामी माशरे में बदलना ये भी हमारे लिए ज़रूरी है हमारा हर काम इस्लाम के मुताबिक हो खास कर निकाँ का मामला है निकाह एक इस्लाम की नज़रों में इबादत है अम्बिया की सुन्नत है और इसे जो है ख़ास कर हिंदवाना रस्म व रिवाज से जोड़ करके मुस्लिम कौम के अंदर बहुत सारी रस्म की चीज़ें आ गई निका के अंदर खुराफात आ गए इन तमाम चीज़ों से हट कर इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में नाफिस करना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि करीमल फ़रमाया सबसे से बाबरकत निकाह वो है जो सबसे कम खर्च हो उसमें अब हम लोग क्या करते हैं रिश्ता होने से पहले ही मिसाल के तौर तो पर साबान में रिश्ता हुआ लेकिन निकाह अभी तक नहीं हुआ ऐसे रस्म रिवाज हमारे पास हैं कि रमज़ान में बाकायदा जो है इफ्तारी के नाम से अभी जो रिश्ता क़ायम भी नहीं हुआ बाकायदा जो है उनके लिए इफ्तारी का इंतज़ाम कराना तोहफे तहफ भेजना ईदी के नाम से भेजना जो अजनबी है उसके लिए कैसे आप देंगे ये सब चीज़ इस्लाम की नज़रों में व कबूल के बाद ही रिश्ता क़ायम होता है उसके बाद आप जो खिलाएं पिलाएं सारी चीज़ें आपकी खुशी के साथ अपनी ताकत के साथ मरबूत है सब चीज़ें इसलिए इस्लाम को अपनाएं हर मामले में हर चीज़ को इबादत की नज़रों से देखें कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें जब तक हम कुरान और हदीस के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नहीं ढालेंगे हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं आ सकता इसलिए मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ अल्लाह ताला इस मुबारक मौके पर हम सब को कुरान और हदीस के तलीमत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ी नसीब फरमाए हमारे दिलों में अल्लाह उफत और मोहब्बत पैदा फरमाए हमें हर क़सम की मुखालफ़तों से दुश्मनीों से बोझ से इनास से कीना कपट से अल्लाह हमारे सीनों को महफूज रखे और हमारा जमना जमा होना भी इस्लाम के लिए हो जुदा होना भी इस्लाम के लिए हो और हर चीज़ इस्लाम के खातिर हो अल्लाह ताली मुझे भी आप सबको भी उसकी तौफीक नसीब फरमाए और हम सबको अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए इखलास के साथ जिंदगी गुजार कर दुनिया से रहुसत होने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए अقول قول हादा अस्तगफरुल्लाहा ली व लकुम व लिसائر المسلمين من كل ذنب फास्तगफरुहु انه هو الغفور الرحيم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ